लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने BJP के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन ठाकरे के इस ऐलान ने MNS जो पहले से ही काफी कमजोर हो गई थी उसमें बगावत के हालात पैदा कर दिए हैं। BJP के साथ जाने से नाराज पार्टी नेता खुलकर बोल रहे हैं, पार्टी में भगदड़ के हालात हैं। तो कैसे BJP का समर्थन देकर फंस गए राज ठाकरे, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने महाराष्ट्र में BJP गठबंधन के समर्थन का ऐलान किया है। राज्य में महायुति में BJP, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP शामिल है। राज ठाकरे के समर्थन से महायुति को फायदा होगा या नहीं ये तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन MNS को जरूर बड़ा नुकसान हो गया है, पार्टी में बगावत हो गई है। MNS के कई नेताओं को राज ठाकरे का ये फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। राज के मोदी सरकार को समर्थन देने के ऐलान के अगले ही दिन पार्टी के महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने मंच से छोड़ दी। कीर्ति कुमार शिंदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, अलविदा महाराष्ट्र नव सेना। उन्होंने कहा कि आज कल नेता जब चाहे जो चाहे राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन लड़ाके जो उनके विचारों पर भरोसा करते हैं दबा दिए जाते हैं, इसका क्या। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में BJP ने देश का बहुत नुकसान किया है, भले ही राजनीतिक मजबूरियों के कारण राज ठाकरे को BJP का साथ देना पड़ रहा है, लेकिन इससे महाराष्ट्र या मराठियों को कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले ठाणे जिले के डोंबिवली शहर के मनसे पदाधिकारी मिहिर दवते समेत एक दर्जन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। डोंबिवली में मनसे की छात्र शाखा के पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। DB लाइव की रिपोर्ट।